कर्नाटक का हिजाब विवाद को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा विगत दिनों महिला अस्मिता वेशभूषा पर दिए गए बयान के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा जिला दुर्ग ने आक्रोश जताकर पुतला दहन किया। कर्नाटक का हिजाब विवाद को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा विगत दिनों महिला अस्मिता वेशभूषा पर दिए बयान पर विरोध को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दुर्ग जिला द्वारा जिलाध्यक्ष उपासना चंद्राकर के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय दुर्ग से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। वहीं पुतला जलाने के दौरान पुलिस के द्वारा खींचतान के चक्कर में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला दुर्ग द्वारा जिला अध्यक्ष उपासना चंद्राकर जमीन पर गिर पड़ी। कर्नाटक में पिछले दिन में हुआ था जो स्कूल के बच्चियों का बुर्का पहन के जाती थी, तो विवाद में प्रियंका गांधी द्वारा पिछले दिन बोला गया है कि लड़कियां हैं चाहे बिकनी पहन के आए, तो प्रियंका जी को ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है, ना ऐसा हमको संस्कार मिला है कि हमारी बेटियां बहू या बहनें स्कूल में बिकनी पहन के जाए। लड़कियां हैं बुरके में जाती थी तो वहां विरोध हुआ, बोली थी कि लड़कियां हैं बिकनी पहन सकती, कुछ भी स्वतंत्र है महिला है, तो खासकर हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि लड़कियां बिकनी पहन के स्कूल जाए। कोई भी धर्म की हो महिलाएं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या अदर कोई भी बहने, हमने ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।